बोलना है। हाँ, चलिए मैं अपना वो बता रहा हूँ कि विद्या भारती में मैं 1978 में आचार्य के रूप में आया, और आने के बाद हम लोगों को लगा कि ये संस्थान जो है वास्तव में इस देश समाज के लिए बहुत उपयोगी है, और फिर हम लोगों ने कहीं जाने का अपना अन्यत्र जाने का कोई अपना मन नहीं बनाया। फिर इसका यहाँ के लोगों का संस्कार, आचार्यों का आपस के संबंध, समाज में हमारे प्रति जो समाज के मन में अच्छी धारणा थी उसको देख करके हम लोगों ने फिर यहाँ काम शुरू किया, करना शुरू किया, और 13-14 साल मैं यहाँ आचार्य था, फिर प्रधानाचार्य हुए, फिर संभाग निरीक्षक हुए, फिर उसके बाद इसमें निवृत्त होने के बाद मैं इसमें जो है प्रांत के संस्कार केंद्र सेवा के काम का एक प्रमुख का दायित्व तो है, प्रांत के पूर्व छात्र का भी दायित्व तो है, वर्तमान समय में शिक्षा के लिए अपने विद्या भारती के विद्यालयों की बहुत बड़ी उपयोगिता है, और समाज में यदि भारतीय संस्कृति हिंदू जीवन पद्धति को जीवंत रखना है तो विद्या भारती के विद्यालयों को और भी परिश्रम करके और समाज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में अन्य विद्यालयों के कंपटीशन में पढ़ाई के साथ साथ अपने मूल उद्देश्य जिस उद्देश्य को लेकर के हम विद्या भारती की स्थापना किए हैं उसमें और अच्छी प्रकार से हमको अपने विद्यालयों को काम करके और एक प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक।